2020 की शुरुआत के साथ खत्म हुआ फिल्म इंडस्ट्री का पूरा एक दशक, और हमारे पास है एक लंबी लिस्ट उन मूवीज की जिन्होंने क्रिटिकल एक्लेम के साथ ही लोगों के दिलों में भी सबसे ज्यादा जगह बनाई। आर्टिस्टिकली सैटिस्फाइंग और सिनेमैटिकली चैलेंजिंग इन मूवीज को शॉर्टलिस्ट करके हमने कंपाइल करी है पिछले 10 सालों की 10 सबसे बेस्ट हिंदी मूवीज। मूवीज की पॉपुलैरिटी, स्टार पावर और बॉक्स ऑफिस सक्सेस पे ध्यान ना देते हुए हमने सिंपली उन मूवीज को इंक्लूड किया है जो परफॉर्मेंस, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी और ओवरऑल कंटेंट और ऐसे कई एंगल्स से थी पिछले डेकेड की सबसे बेस्ट फिल्म्स। इससे पहले कि हम अपना टॉप 10 स्टार्ट करें, पहले हम शाउट आउट देते हैं कुछ ऐसी मूवीज को जो हमारे टॉप 10 में तो नहीं आ पाई बट दे वर सर्टेनली वर्दी ऑफ बीइंग टॉक्ड अबाउट। ये है कुछ ऑनरेबल मेंशंस। And now let us start our top 10. अंधाधुन। रीसेंट ईयर्स में रिलीज हुई सबसे ग्रिपिंग और इम्पैक्टफुल एज ऑफ द सीट थ्रिलर्स में से एक थी अंधाधुन। एक टाइटली नेटेड स्क्रीन प्ले और स्टोरी के साथ इस मूवी की नियर फ्लॉलेस डायरेक्शन इसके कैरेक्टर्स के मिनट डिटेल्स को कैप्चर करती है, लार्जली थैंक्स टू द परफॉर्मेंसेस ऑफ इट्स लीड कास्ट। The first viewing of this masterpiece will certainly send you shockwaves through and through, and the second viewing will prove just as entertaining. Masaan, Neeraj Ghaiwan ki directorial debut. Masaan ko domestically aur internationally kaafi acclaim aur praise mila tha. Richa Chadda aur Vicky Kaushal star aur ye film pichle 10 saalon ki sabse critically acclaimed films mein se ek hai. वाराणसी में बेस दो सेपरेट स्टोरीज को फॉलो करते हुए इस फिल्म की कहानी एक ट्रेजिक एंड पे आके मिल जाती है, वही जहां से वो शुरू होती है। ब्यूटीफुल सिनेमाटोग्राफी और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस के साथ मसान है पिछले 10 सालों की सबसे मस्ट वॉच मूवीज में से एक। द लंच बॉक्स। लंच बॉक्स एक सटल येट ब्यूटीफुल स्टोरी थी, रिवॉल्विंग अराउंड एन एज ओल्ड लॉन्गिंग ऑफ टू स्ट्रेंजर्स सीकिंग एंड ड्रेडिंग टू डिस्कवर लव अगेन। अपने रिलीज के साल में लंच बॉक्स को इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था। हालांकि ये फिल्म नॉमिनेट नहीं हो पाई बट इट वॉज नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट हिंदी मूवीज दैट वर क्रिएटेड दैट ईयर। हैदर। कश्मीर के कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज की सरफेस को टच करने वाली हैदर विशाल भारद्वाज की लास्ट वेल क्राफ्टेड मूवीज में से एक थी। विशाल भारद्वाज की पिछली कई मूवीज की तरह है ये भी विलियम शेक्सपियर के एक आइकॉनिक प्ले हैमलेट पे बेस्ड थी या फिर उससे इंस्पायर्ड थी। शाहिद कपूर और तब्बू की फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस के साथ ये फोकस करती है कश्मीर में मिड 90s में हुए कॉन्फ्लिक्ट्स पर और वहां की ब्रूटल स्टेट पॉलिटिक्स पर। But apart from the subject of this movie, it is the definitive style of filmmaking of Vishal that makes this seem like a serenading masterpiece pictured on the beautiful landscape of what is still one of the most beautiful states in India. Tumbaad. Horror fantasy ko Indian cinema mein ek nayi lease dene wali Tumbaad ek true creative gem thi. कम बजट में इतने स्टनिंग सीन बनाने के पीछे थी एक हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड और क्रिएटिव टीम ऑफ यंगस्टर्स जिन्होंने मिनिमल रिसोर्सेस के साथ एक विजुअली स्टनिंग मास्टरपीस क्रिएट करी। हमारी इमेजिनेशन और बचपन में सुनी डरावनी कहानियों को इतनी आर्टिस्टिक तरीके से पर्दे पे उतारने वाली तुम्बाड उससे कहीं ज्यादा रिकॉग्निशन डिजर्व करती थी जितना उसे मिला था। इट वॉज ट्रूली पाथ ब्रेकिंग। गैंग्स ऑफ वासेपुर।
अनुराग कश्यप की वो मूवी जिसने इंडियन मूवी सीन को एक तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। ये गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद ही था जब मेनस्ट्रीम ऑडियंसेस ने मूवीज में रियलिज्म अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया था, जब हिंदी फिल्म्स में लीड हीरो की डेफिनेशन चेंज हुई और नियो रियलिज्म ने फालतू की शोबाजी को टेक ओवर कर लिया। द मूवी फीचर्स सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग्स एंड सीन्स फ्रॉम रीसेंट इंडियन सिनेमा हिस्ट्री एंड वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस ऑफ ऑल टाइम बाय द एंटायर कास्ट। अलीगढ़। हंसल मेहता की रीसेंट मास्टरपीस अलीगढ़ इंडिया की सबसे प्रोफाउंड और ऑनेस्ट बायोपिक्स में से एक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रामचंद्र सिरस की ट्रेजिक लाइफ और डेथ पे बेस्ड ये फिल्म फोकस करती है हमारी सोसाइटी में इनग्रेन्ड उस होमोफोबिया पे जिसके कई विक्टिम्स में से एक होते हैं इस फिल्म के लीड कैरेक्टर। मनोज बाजपेयी की ऑ इंस्पायरिंग मूवी को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का हर एक अवार्ड इस साल मिलना चाहिए था, बट एज वी अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर इन मेनस्ट्रीम बॉलीवुड, दैट नेवर हैपेंड। बट अलीगढ़ स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग मास्टरपीसेस बाय बोथ बाजपेयी एंड मेहता। हरामखोर। इस लिस्ट में मेंशन मेजॉरिटी मूवीज की तरह हरामखोर भी बॉक्स ऑफिस में कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाई थी, बट ये नो डाउट नवाजुद्दीन के करियर की सबसे बेस्ट मूवीज में से एक थी। एक शानदार स्क्रीन प्ले, रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस और ब्यूटीफुल सिनेमाटोग्राफी के साथ ये मूवी एक पोएम की तरह आगे बढ़ती है और एक डेवेस्टेटिंग नोट पे खत्म हो जाती है। सम पीपल मे फाइंड द एंडिंग परप्लेक्सिंग और एब्रप्ट इवन, but it is just what puts the whole thing into perspective and the entire narrative into a piece of pure art. Mukti Bhavan 2017 में रिलीज हुई एक underrated और under appreciated gem, Mukti Bhavan एक subtle और beautiful तरीके से life और death के issues से deal करती है। But the true beauty of this movie lies in the poetically structured scenes depicting small but crucial human emotions. Adil Hussain aur Lalit Behl dono ne movie mein bahut achhi acting kari thi and the ending is certain to make you bawl your eyes out. And the number one movie of the decade is Aankho Dekhi. आंखों देखी को रजत शर्मा के करियर की बेस्ट मूवी कहा जा सकता है एंड ही हैज क्रिएटेड प्लेंटी ऑफ स्मॉल बजट जेम्स फॉर अस। 2013 में रिलीज हुई इस फिल्म के लीड कैरेक्टर का रोल प्ले किया है संजय मिश्रा ने और ये रिवॉल्व करती है एक आम आदमी के इंटरनल टर्मोइल पे और उसकी सच के खोज में बिगड़ते हुए फैमिली रिलेशंस पे। द मूवी इज ब्यूटिफुली फिल्म्ड एंड मूव्स फ्रॉम सीन टू सीन लाइक अ पीस ऑफ आर्ट only to prepare you for one of the most dramatic and unexpected finale that you would expect from this film. तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू पिछले 10 सालों के सबसे बेस्ट इंडियन मूवीज का। इनमें से कितनी मूवीज आपने ऑलरेडी देखी है और कौन सी है आपकी पर्सनल फेवरेट? Let us know in the comment section below and don't forget to subscribe for more.